कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के राहत पैकेज का ऐलान किया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर हेल्थ सेक्टर पर रहा। हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया। ये पैसा कोई भी कारोबारी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने में के लिए लोन के तौर पर ले सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम ब्याज 7.95% का होगा, जो बाजार की दरों से काफी कम है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से छोटे शहरों में स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत छोटे कारोबारी 1.25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं टूरिज्म सेक्टर के लिए भी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, जिसके तहत 11,000 टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंसियां लोन ले पाएंगी। गाइड को 1 लाख रुपए, एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं 31 मार्च 2022 तक भारत आने वाले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा मुफ्त दिया जाएगा।